हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस लेवल का बुक 4 मॉड्यूल ओ डे 5। ठीक है, मॉड्यूल ओ डे 5 में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, स्पीक अप। ठीक है, तो देखिए आपको पहला दिया है पार्टी, हम देख लेते हैं। ठीक है, पार्टी देख लेते हैं। दिया लेसन ऑब्जेक्टिव, हम लोग जानते हैं लेसन ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब इस टॉपिक में क्या है इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, पहला हमारा मतलब पॉइंट दिया है। देखिए, इंट्रोड्यूस द वेरियस टूल्स विल हेल्प द डेवलप लैंग्वेज, मतलब दोस्तों कि आपको इसमें बताया गया है कि मतलब कि जो टूल्स होते हैं हमारे, ऑडियो वीडियो पार्ट होते हैं, खान अकेडमी हुआ, अभी आप लोगों को एक नया मतलब नया एक लिंक मतलब कोर्सेरा मिलेगा। कोर्सेरा एक ऐसा ऐप है, तो आपको वहाँ से मतलब आपको एक अच्छा हेल्पफुल होगा, आप वहाँ से ही आप मूक उसको भी कहलाएंगे, वहाँ से आप लोग डेवलप कर सकते हैं अपना लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया जाएगा। कमिट एंड प्लान टू बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लासरूम, प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश एंड यूज रीड थियरी, इम्प्रूव रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, तो आपको कमिटमेंट करना है पार्टिसिपेटिव क्लासरूम में कि यार स्पोकन इंग्लिश को हमको पार्टिसिपेट करना है, और हम रीड थ्योरी से अपने इम्प्रूव इंग्लिश को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीड थ्योरी से हम अपने ठीक है, रीड थ्योरी से अपने रीडिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं। तो दूसरा हमारा क्या दिया, पार्ट बी। तो पार्ट बी दिया है मेरे दोस्तों, पार्ट बी में कुछ है नहीं। देखिए दिया है, यू हैव टू डिसाइड वेदर ए पर्सन गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पर आपको चार सिनेरियो दिया जाएगा, और आपको जो मतलब जो ग्रुप रहेंगे, आपके जो ग्रुप रहेंगे दोस्तों, उस ग्रुप में जैसे चार लोगों का ग्रुप बनेगा, तो आपको दे दिया जाएगा कि आप लोग चार लोग पहले इसको इस पे तैयार करिए। आप एक में आपका कोई लायर रहेगा, और आपका डिफेंडर रहेगा, और डिफेंडर रहेगा। ठीक है, डिफेंडर रहेगा और डिफेंडर रहेगा, लॉयर, दोनों लॉयर रहेंगे, गिल्टी रहेगा। तो आपको उसमें क्या करना रहेगा कि आपको एक मतलब कि रोल करना रहेगा, कि जैसे इसमें दिया सिनेरियो, इस सिनेरियो को पढ़ के आपको रोल करना रहेगा कि वह मतलब कि जैसे दिया सिनेरियो पहला, क्राइम गिल्टी रॉबिंग बैंक। तो एक बंदा है, ए मैन हैज़ रोबेड ए बैंक, बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी फॉर हिमसेल्फ ही डोनेट्स इट ए पुअर ऑर्फेन दैट कैन नॉट बी ऑफर्ड टू फीड क्लोथ केयर फॉर इट्स चिल्ड्रेन। एज ए पैनल ऑफ जज यू नीड टू कंक्लूड वेदर द मैन शुड बी पनिश्ड और नॉट। यू कैन डिसाइड पनिश इफ द एक्यूज फाउंड द गिल्टी। ठीक है, तो आपको मतलब कि जो मतलब कि आपको समझ में आएगा कि उसमें मतलब क्या इसमें बताना है, आप लोग वहाँ पर जाएंगे तब इस सिनेरियो को पढ़ के जो आपको समझ में आया। जैसे सिनेरियो में ये कहा गया है कि एक बंदा था, उसने मतलब कि मतलब बैंक से मतलब पैसा मतलब चोरी की, उसके बाद उसने क्या किया, उस पैसा को मतलब उसने नहीं लिया, उस पैसे को उसने नहीं लिया, और वह उसके बजाय जाके मतलब जो डोनेट किया, मतलब जो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको डोनेट किया, चिल्ड्रेन को पुअर क्लोथ। ठीक है, तो उसने क्लोथ एंड केयर चिल्ड्रेन को किया। तो वह एज ए पैनल जज, तुमको मतलब कि इसमें जो जज रहेगा आपको डिसाइड करना रहेगा कि मतलब बंदा गलत है या सही। तो आप कह भी कह सकते हैं कि हाँ, उस अगर उसको बंदे को मतलब कि मतलब वो करना था, अगर दूसरों को हेल्प, या अनाथ बच्चों को हेल्प करना चाहता था, तो वह अपने से ही कमा के मतलब कि कह सकता है, या मतलब ऐसे ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अपने से ही कमा के मतलब कि खुद कमा के हार्ड वर्क करके तब बच्चों को हेल्प करता, क्यों चोरी क्यों किया, ये गलत है। मतलब आप ऐसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है। तो एक सिनेरियो आपको एक ग्रुप में एक सिनेरियो मिलेगा, तो आप पहला चूज़ कर सकते हैं जैसे। ठीक है, तो ऐसे चूज करके अपना आप सिनेरियो आप करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, आप आपके थॉट आप पढ़ेंगे तो आप मतलब क्या सोचते हैं, तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। तो आपको मतलब कि लिसनिंग स्किल्स जो होते हैं हमारे, उसका क्या बेनिफिट है आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिसनिंग कम्प्रिहेंसन। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल जो हमारे एकेडमिक एम्प्लॉयमेंट सोशल, तो ऐसे मतलब कि लिसनिंग स्किल का क्या महत्व होगा एकेडमिक में, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में, सोशल कैपिटल में, इसका क्या महत्व होगा, तो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए एकेडमिक कैपिटल में
जैसे दिया है अंडरस्टैंड क्लासरूम लेक्चर, अगर हमारा जो लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा तो हम अपने क्लासरूम के जितने लेक्चर होते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे फैसिलिटेटर तुम्हारा कुछ पढ़ा रहा है तो आप, अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा है तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा दिया है प्रोवाइड बेटर आंसर इन असेसमेंट, तो आप मतलब आपका लिसनिंग स्किल अच्छा है तो आप मतलब कोई वीडियो पार्ट सुनेंगे तो अपनी लिसनिंग की वजह से आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। स्पीक विथ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, आपका लिसनिंग स्किल रहेगा तो आप एक मतलब बोलेंगे और एक आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा, तो यही इसका फ़ायदा होगा आपका आगे एकेडमिक कैपिटल में। एकेडमिक कैपिटल मतलब जो हम FEA में पढ़ रहे हैं, यही इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, सब एकेडमिक कैपिटल, ग्रेजुएशन कर रहे हैं एकेडमिक। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल की बात अगर हम कर लें मेरे भाई, तो एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में हमें पढ़ना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में लिसनिंग स्किल क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में लिसनिंग स्किल्स का ये फ़ायदा होगा, देखिए लिया है, लिखा है बेटर बेटर अंडरस्टैंड पीयर्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन। अगर हमारा लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा तो हम अपने पीयर्स को मतलब जो हमारे कलीग्स रहेंगे उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, देयर एक्सपेक्ट और उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हम अपने लिसनिंग स्किल से समझ पाएंगे, ठीक है। बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस एट वर्क, ठीक है। तो हमारा लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा तो मतलब जो कुछ भी काम मिलेगा तो हम अपने अपने मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने काम में, ठीक है। लेस एरर्स ग्रेटर प्रोडक्ट में, हम हमसे गलतियां कम होगा और एक हम अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन मतलब एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में, ठीक है। सोशल कैपिटल में क्या फ़ायदा होगा लिसनिंग स्किल का, सोशल कैपिटल में लिसनिंग स्किल यही फ़ायदा होगा, बेटर बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स, हमारा मतलब कि एक मतलब कि हम अगर अपने दोस्तों को अच्छा सुन सुन रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहा है और उसको मतलब कि इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो एक हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगा अपने फ्रेंडों से, यही इसका फ़ायदा होता है सोशल कैपिटल में, ठीक है। अब सोशल कैपिटल मतलब जैसे हम फ्रेंड बनाते हैं या हम जो समाज में रहते हैं, ये सब सोशल कैपिटल हुआ, ठीक है। फंक्शनल नेटवर्क्स, ठीक है। तो फंक्शनल नेटवर्क्स मीन्स लाइक जैसे हम मतलब कि एक हम समाज से जुड़े हुए हैं, यही फंक्शनल नेटवर्क के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो इसके आज के वीडियो में कुछ था नहीं, थैंक यू सो मच वॉचिंग वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब।